हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू सोन। आज मैं आपके लिए मैंगो मालपुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये स्वादिष्ट भी बहुत बनते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं सावन में मैंगो मालपुआ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो मालपुआ। मैंगो मालपुआ बनाने के लिए हम एक बाउल में गेहूं का आटा ले लेंगे, एक कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। इसमें ही हम हाफ कटोरी जो है सूजी डालेंगे। एक कटोरी हम मैंगो पल्प ले लेंगे, वो भी इसी में ट्रांसफर करेंगे। और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद हम इसमें एक कप मिल्क लेंगे, उसमें से धीरे धीरे करके हमने ये दूध डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। जितना आपको इसमें लगे उतना ही आपको इसमें ट्रांसफर करना है। मैंने इसमें हाफ कप मिल्क ही यूज़ किया है और अब हम बैटर को ढककर रख देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो और दूध हम डाल लेंगे। अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट्स तक आपको इसको रखना है। उतनी देर हम शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है, उसमें हम हाफ कटोरी जो है उस पानी डालेंगे और थोड़ी सी उनकी सके धागे भी डालेंगे और उसे अच्छे से बॉयल करेंगे। और इसे गैस पर अच्छे से पकाएंगे। इसकी हमने एक तरह की चाशनी कोई नहीं बनानी है, बस एक चिपचिपी सी हमें चाशनी तैयार करनी है। ये देखिए हमारी चाशनी जो है वो बनकर तैयार है। अब हम मालपुए का बैटर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, जो हमारे कप में से आधा दूध बच गया था वही हम डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। मालपुआ बनाने के लिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। बस इस तरह की ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए मालपुआ बनाने के लिए। मालपुआ बनाने के लिए मैंने दूसरी तरफ घी गर्म करने के लिए रख दिया था। अभी हमारा घी गर्म हो चुका है। इसमें हमने अब मालपुए का बैटर डालना है। एक करछी से आपने बैटर ले लेना है और हल्के से इसमें ट्रांसफर कर देना है। देखिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको ट्रांसफर करना है। अब इसको हमने हिलाना नहीं है, जैसे ही नीचे से पक जाएगा अपने आप ऊपर आ जाएगा और हम इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे। We'll be right back.
मालपुआ रेडी हो चुका है। इसमें से एक्स्ट्रा घी हमें निकाल देना है और इसे फिर चाशनी में हम ट्रांसफर करेंगे। याद रखिएगा चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। बस इसी तरह से हमने सारे मालपुए रेडी कर लेने हैं। देखिए सारे मालपुए रेडी हो चुके हैं, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।